दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के सुपर फोर के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की हार से भी ज्यादा हाईलाइट एक ऐसा पल सामने आया जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचाकर रख दिया। जी हाँ, ये वाकया मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ हुआ, जिसमें वो मैदान में मौजूद 19 साल के युवा को दिल दे बैठती हैं और मैदान पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने उस युवा से अपने रिश्ते को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर कौन है वो युवा और कैसे उर्वशी ने उसके साथ अपने रिश्ते को खुलासा किया, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 वर्ल्ड कप सीरीज में अपनी जगह बना पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने अपने लीग स्टेज के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान और हांगकांग दोनों को रौंद कर शान से सुपर फोर में अपनी जगह बनाई। लेकिन सुपर फोर के पहले मुकाबले में ही हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने हमें एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में शिकस्त दे दी और जिसने अधिकांश भारतीयों का दिल तोड़ दिया। इस मुकाबले को देखने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी मैदान पर मौजूद थी और वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हाथ में तिरंगा लेकर भी आई थी। इतना ही नहीं, भारतीय टीम के लिए हर एक खुशी के पल पर अपना जोश दिखाते हुए भारतीय टीम के लिए चीयर कर रही थी। तभी मैच को देखने के दौरान उर्वशी रौतेला की नजरें पाकिस्तान के 19 साल के युवा गेंदबाज नसीम शाह से मिल जाती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगाया। उर्वशी रौतेला के इस वायरल वीडियो पर ऐसे रिएक्शन से इंटरनेट पर सनसनी मच गई और हर कोई उर्वशी रौतेला और नसीम शाह के रिश्ते को लेकर अलग नजरिए से देखने लगा और कहा जाने लगा कि उर्वशी रौतेला नसीम शाह को अपना दिल दे बैठी है। हालांकि ये सब वायरल बातें हैं और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन नसीम शाह के साथ नाम जोड़े जाने पर उर्वशी रौतेला बेहद ही खुश नजर आ रही है और बिना आग के धुआं तो उठता ही नहीं है। हो सकता है कि उर्वशी रौतेला और नसीम शाह का भविष्य में कोई रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि ये नजरें तो मिली अभी। आपको बता दें कि नसीम शाह ने उस मुकाबले में अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की इस एशिया कप में हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।